Hey guys, welcome to the online e-learning platform of Agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss 15 MCQs related to agricultural extension. So stay tuned. क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग एफ सी आई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि टेक्निकल पोस्ट है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इसका प्राइस पड़ेगा आपको 1499 रुपीज़। ठीक है, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? तो इस कोर्स में आपको मिलेंगे कंप्लीट नोट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, प्रिंटेबल ई बुक्स दिया जाएगा, आपको एक क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, इसमें आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल है, इसमें आपको यूट्यूब क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगे, उसके साथ ही साथ आपको क्लास नोट्स भी दी जाएंगे। ठीक है, हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो क्वालिटी में बहुत अच्छा होगा और हमारे यहाँ जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, आपको अच्छे से गाइड करेंगे और जिसकी वजह से आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अभी तक 3 स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन एफ सी आई ए जी 3। ठीक है, और उसके बाद 14+ स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन एफ सी आई ए जी एम एग्जाम जो कि 2021 में कंडक्ट कराया गया था आउट ऑफ 27 जो कि मैक्सिमम है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं और आप अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया गया है, आप उधर विजिट करिए और इस कोर्स को वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा व्हाट्सएप का जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके और डिटेल्स ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में। ठीक है, चलिए आज का सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश इज मेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड अडॉप्शन एट द फील्ड लेवल। ठीक है, ऐसा कौन सा जो है लॉन्च किया गया, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि ब्रिज करता है गैप जो कि टेक्नोलॉजी के बीच में है डेवलप्ड एट द रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन में टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उसके बीच में और अडॉप्शन जो हम लोग करते हैं फील्ड लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग जो अडॉप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को उसके बीच में जो गैप है उसको कौन फिल किया है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, केवीके। ठीक है, केवीके जो है ये आईसीएआर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था सो दैट कि हम नीड बेस्ड जो है या फिर स्किल ओरिएंटेड वोकेशनल जो ट्रेनिंग है वो हम प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को ऑन द फील्ड लेवल एक्सटेंशन या फिर वर्कर्स को एंड अदर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को। ठीक है, जो केवी का रोल है, जो केवीके का रोल है ये क्या था कि ये फीड करे प्रूवन टेक्नोलॉजी को टू द मेन एक्सटेंशन सिस्टम, मतलब कि जैसे जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है इंस्टीट्यूशंस में तो उसको क्या करना है, जो फील्ड लेवल पे लाना है प्रैक्टिकली उसको इम्प्लाई करना है। ठीक है, और जो केवीके है ये 1974 में लॉन्च किया गया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो केवीके है वो कब लॉन्च किया था, तो 1974। ठीक है, और केवीके का फुल फॉर्म क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है केवीके का फुल फॉर्म है और ये 1974 में लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो आईसीएआर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ठीक है, जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 to 74 में। ठीक है, ये सबसे पहले जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था 1973 to 74 में। ठीक है, तो क्यों क्यों इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो सो दैट कि हम लोग टैकल कर सके जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो फ्रेजाइल एरिया में जो प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंटली इफेक्ट होता है बाय द सीवियर ड्रॉट कंडीशन, उसको ट्रैक करने के लिए। और इसका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक है कि लार्ज ह्यूमन एंड कैटल पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है जो कि कंटिन्यूअसली जो है वो हैवी प्रेशर उन पे रहता है ऑन द ऑलरेडी फ्रेजाइल नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि पहले से प्रॉब्लम चला उसके बाद जो जैसे ड्रॉट एरिया आता है तो वहाँ उसके वजह से क्या होता है कि और प्रॉब्लम्स फेस करने के मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्स की कमी रहती है जैसे कि फूड फोडर फ्यूल, उसके बाद हमें अगर ड्रॉट हो जाता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लार्ज ह्यूमन एंड कैटल पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है। और इसको स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया था, सो दैट कि हम जो प्रॉब्लम्स है स्पेशल प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं मतलब सीवियर ड्रॉट कंडीशन उसको हम टैकल कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, टीचिंग प्रोसेस वॉज गिवन बाई। ठीक है, जो टीचिंग प्रोसेस है वो किसने दिया था, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, विल्सन एंड गैलोप। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस जो है वो विल्सन एंड गैलोप ने दिया था, कब दिया था, तो आपको ये याद रखना है ईयर 1955 में। ठीक है, विल्सन एंड गैलोप ने क्या किया था कि इन्होंने स्टेप्स प्रोवाइड किए थे इन टीचिंग लर्निंग में। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो स्टेप्स प्रोवाइड किए थे इसका शॉर्टकट आप याद रखिए, AID, ये स्टेप्स है। ठीक है, स्टेप्स इन लर्निंग टीचिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टेप है AID CAS। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आता है अटेंशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है इंटरेस्ट। ठीक
ठीक है। थर्ड स्टेप जो आता है वो है आपका डिजायर, फोर्थ स्टेप जो आता है वो कॉन्विक्शन, फिफ्थ स्टेप जो आता है वो है एक्शन, और सिक्स स्टेप जो है वो है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो ये विल्सन एंड गैलॉप के द्वारा दिया गया था, कब, 1955 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, हु इज द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन के जो फादर है वो कौन है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेपी लेगेंस। ठीक है, जो हमारे फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वो कौन है, जेपी लेगेंस। ठीक है, और जो इंडिया के जो फादर ऑफ एक्सटेंशन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यहाँ पे आ जाएंगे डॉक्टर के एन सिंह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो के एन सिंह है, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में जो है वो फादर है ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, और अगर ऐसे नॉर्मली पूछा जाएगा वर्ल्ड में, तो ये जेपी लेगेंस जो है हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, रीडिंग न्यूज़पेपर इज विच लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम न्यूज़पेपर को जो रीड करते हैं तो वो किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में फॉल करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इंट्रापर्सनल, या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि यहाँ पे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन जो कि हो रहा है विद इन वन सेल्फ। ठीक है, उसको हम लोग इंट्रापर्सनल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे बस इंडिविजुअल जो है वो इन्वॉल्व है, और वो अपने से वही एक सेंडर है, वही रिसीवर है। ठीक है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है फीडबैक अपने आप को। ठीक है, इंट्रापर्सनल में यही हो रहा है कि यहाँ पे कोई अदर पर्सन से हम बात नहीं कर रहे, खुद से बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ही जो है वो सेंडर है, हम ही रिसीवर है, और हम खुद को जो है अपने आप को फीडबैक दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑनगोइंग इंटरनल प्रोसेस। जितने भी इंटरनल प्रोसेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम खुद को फीडबैक दे रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम हो सकता है कि अगर हम किसी मैप या टेक्स्ट या फिर साइन या सिंबल का इंटरप्रेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन मतलब बिटवीन टू या फिर थ्री पीपल के बीच में। ठीक है, ये जो है इनफॉर्मल वे में भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं लंच ब्रेक में, ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। या फिर आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स में आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, तो आप अपने टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो ये जो है ये आपका फॉर्मल टॉक होगा, लेकिन आप फ्रेंड्स के साथ बात करिएगा तो वो इनफॉर्मल टॉक में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, हु इज फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि कौन होंगे इंडिया में फादर ऑफ एक्सटेंशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, के एन सिंह। ठीक है, जो के एन सिंह है ये है फादर ऑफ एक्सटेंशन इंडिया। अगर आपको नॉर्मल पूछा जाएगा कि वर्ल्ड में कौन है, तो जे पी लेगेंस जो है, जो कि यूएसए के हैं, फादर ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, वहाँ पे वो आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंडिया पूछा है तो यहाँ पे आ जाएगा के एन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, द कोन ऑफ एक्सपीरियंस वॉज डेवलप्ड बाई। ठीक है, जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वो किसने दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, डी, इडगर डेल। ठीक है, इडगर डेल ने जो है वो कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था। तो 1960s के टाइम में क्या हुआ था कि जो एडगर डेल थे, उन्होंने थ्योरी दी। क्या थ्योरी दी, कि जो लर्नर्स है वो रिटेन कर सकते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर वो काम को करते हैं, व्हाट दे डू। ठीक है, जो लर्नर्स है वो रिटेन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज है इन्फॉर्मेशन को, वो अगर वो उस काम को करते हैं। ठीक है, अगर वो उसको सुनते हैं या फिर लिखते हैं या फिर सुनते हैं या फिर रीड करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा देर तक रिटेन नहीं कर सकते। बट अगर वो किसी चीज को करके देखते हैं तो ज्यादा वो चीज को रिटेन कर सकते हैं, ज्यादा देर तक वो याद रख सकते हैं। ठीक है, उनके रिसर्च के दो अगर वो रिसर्च किए थे इस पे, ये रिसर्च गया था फिर डेवलपमेंट ऑफ द कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक पिरामिड का बताया था। ठीक है, पिरामिड का एक फॉर्म करके उन्होंने बताया था, यहाँ पे बताती हूँ। तो उन्होंने ये पिरामिड बताया था, इसी को हम लोग बोलते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस के नाम से, इसी को जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि 90% ऑफ व्हाट वी से एंड डू, ठीक है, जो पीपल जो है वो जनरली रिमेम्बर करते हैं। यहाँ पे हम मैं जो अभी जितना भी बताऊंगी यहाँ पे टॉम, यहाँ पे जो है वो जितने भी पीपल हैं वो जो रिमेम्बर करते हैं या फिर जो लर्निंग एक्टिविटीज है वो यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो 90% है, 90% है जो पीपल है व्हाट वी से एंड डू। ठीक है, 90% चीज वो याद रहता है अगर वो कोई चीज को बोलते हैं और फिर उसको करते हैं। ठीक है, 70% ऑफ व्हाट वी से, ठीक है, अगर 70% जो चीज है वो रिटेन रहती है, याद रहती है अगर जो हम बोलते हैं। ठीक है, 50% ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर, ठीक है, 50% जो चीज है वो हम रिटेन कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं जो चीज हम सुनते हैं या फिर देखते हैं। ठीक है,
उसका 30% ऑफ व्हाट वी सी, 30% चीज मतलब हम लोग रिटर्न रिटेन कर पाते हैं अगर उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। 20% ऑफ व्हाट वी हियर, ठीक है, 20% चीज ही हम रिटेन कर पाते हैं अगर उस चीज को हम सुनते हैं। 10% व्हाट वी रीड, ठीक है, हम बस 10% चीज को मतलब रिटेन कर पाते हैं अगर उसको हम रीड करते हैं, ठीक है। यही था कोन ऑफ एक्सपीरियंस, किसने दिया था, एडगर डेल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द लर्निंग कर्व इज टीचिंग फॉलोज अ, ठीक है, क्या बोल रहा है, जो लर्निंग कर्व है टीचिंग में वो क्या फॉलो करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, एस शेप, ठीक है। तो ये एस शेप कैसे बनेगा, तो जैसे ये मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट एट लर्निंग, ठीक है, आप कितना अटेम्प्ट किए लर्निंग के टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा परफॉर्मेंस परसेंटेज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है ये हमारा इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लेट्यू, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टीप प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, और ये जो है ये है आपका स्लो बिगनिंग, ठीक है। ये जो लर्निंग कर्व होता है वो ग्रेजुअल चेंजिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिखाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, जो कि अगर हम कुछ चीज लर्न करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ग्रेजुअल चेंजिंग आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वही ये जो शेप है ये डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है, एस शेप जो ये कर्व बन रहा है। यहाँ पे एस शेप कर्व का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो जो लर्निंग रेट होता है वो पहले जो होता है वो थोड़ा स्लो रहता है, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा फास्ट रहता है, लेकिन फिर कुछ दिन कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम क्या होता है वो फिर से स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहले जो प्रोसेस हो रहा है, जो पहले जो प्रोसेस हो रहा है ये थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, स्लो है, फिर देखिए तुरंत ये एक्सलेट कर गया, तुरंत फास्ट हो गया, उसके बाद देखिए फिर ये क्या हो गया थोड़ा सा स्लो हो गया, स्लो डाउन हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर वो कोई न्यू लेसन जो है वो सीख रहा है, ठीक है, विद जनरल लेवल ऑफ डिफिकल्टी, थोड़ा सा डिफिकल्टी है उसमें, तो वहाँ पे क्या होगा वो जनरली एस कर्व शेप दिखाएगा, ठीक है। ये जो कर्व है ये बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कर्व है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है, थोड़ा सा एक्सीलरेट होके फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ये कांस्टेंट हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जेम्स टॉट एसोसिएटेड विद, ठीक है, जो जेम्स टॉट है वो किससे एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, ठीक है। जो जेम्स टॉट है उनको बोला गया है एज अ फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, ठीक है। इन्होंने जो है वो अप्रोच किया था अथॉरिटीज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज टू ऑर्गेनाइज एक्सटेंशन लेक्चर्स, ठीक है, इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक्सटेंशन लेक्चर्स, और जो सिस्टम था वो एक्सेप्ट किया गया था बाय द कैम्ब्रिज एज वेल एज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1873 में, ठीक है। इनके जो सिस्टम थे, इन्होंने जो एक सिस्टम दिया था, जेम्स टॉट ने जो भी कॉन्सेप्ट दिया था या फिर कोई भी सिस्टम जो प्रोवाइड करवाया था विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, तो जो है उनको एक्सेप्ट कर दिया गया था बाय द कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, कब, 1873 में, ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस वॉज गिवन बाई, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था एक्सटेंशन एजुकेशन का उन्होंने किसने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉल लिगेंस, ठीक है, जो पॉल लिगेंस से उन्होंने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट दिया था किसका, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस का, ठीक है। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है वो क्या होता है, ये एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है एसेंशियल फाइव एसेंशियल एंड इंटरलेटेड स्टेप्स, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, मतलब आपको ये पार्टिसिपेट करेगा तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है जहाँ पे आपको फाइव एसेंशियल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, कितने, तो फाइव एसेंशियल एंड इंटरलेटेड स्टेप्स, ठीक है, फाइव स्टेप्स देखने को मिलेंगे, जो सीक्वेंस है स्टेप का वो डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप बाय लिगेंस, ठीक है। ये जो स्टेप है ये किसने दिया है, तो पॉल लिगेंस ने दिया है उनके अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये पांच स्टेप क्या है, तो यहाँ पे जैसे मैं ये एक पेंटागॉन बना रही हूँ, तो यहाँ पे जो स्टेप वन रहेगा, ठीक है, स्टेप वन रहेगा यहाँ पे सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन मतलब व्हाट इट इज नाउ, ठीक है, अभी क्या सिचुएशन है वो रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, टीचिंग मतलब व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, ठीक है, टीचिंग में क्या आएगा कि हम क्या पढ़ा सकते हैं और कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या आएगा हमारा इवैल्यूएशन, ठीक है, व्हाट हैज बीन द रिजल्ट, इवैल्यूएशन मतलब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमने हमारा रिजल्ट क्या है, ठीक है। फिर फिफ्थ में आ जाएगा स्टेप, फिफ्थ स्टेप जो क्या होगा रिकॉन्सिडरेशन मतलब व्हाट नेक्स्ट टू डू, ठीक है, रिकॉन्सिडरेशन मतलब कि हम लोग नेक्स्ट हमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा रिकॉन्सिडरेशन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पहला क्या है, पहला स्टेप
आपका सिचुएशन, सेकंड स्टेप इज ऑब्जेक्टिव, थर्ड स्टेप इज टीचिंग, फोर्थ स्टेप इज इवैल्यूएशन एंड फिफ्थ स्टेप इज रिकॉन्सिडरेशन. ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस है जहाँ पे 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है. किसने दिया था, तो लीगल ने दिया था अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है और 5 एसेंशियल स्टेप जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द टर्म पेडागॉजी लिटरली मीन. ठीक है, जो पेडागॉजी है वो उसका मीनिंग क्या है. ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, चिल्ड्रन लर्निंग. ठीक है, पेडागॉजी जो है ये चिल्ड्रन लर्निंग इसका मीनिंग है. जो पेडागॉजी है इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये दूसरा वर्ड है जिसकी जो कि फॉर्म बता रहा है एजुकेशन द प्रोफेशन एंड द साइंस ऑफ टीचिंग. ठीक है, एजुकेशन प्रोफेशन एंड साइंस ऑफ टीचिंग के बारे में जो है पेडागॉजी बता रहा है. ये जो है एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है पेडागॉजी. ठीक है, इसका मतलब क्या था, पेडोस मीन्स बॉय या फिर चाइल्ड, और जो एगोगॉस है इसका मतलब लीडर. ठीक है, पेडागॉजी जो है वो रेफर करता है टू द टीचिंग प्रोफेशन एज वेल एज द साइंस ऑफ एजुकेशन. ठीक है, मतलब ये चिल्ड्रन लर्निंग मतलब बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है या जो भी मेथड्स या प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं बच्चे को एजुकेट करने में, उसका उसको बोलते हैं हम लोग पेडागॉजी. ठीक है, ये जो लिटरली इसका जो लिटरली मीनिंग है मतलब ये लीडिंग चिल्ड्रन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, एंड्रे गोगोई इज फॉर. ठीक है, इसका क्या होगा, इसका ये जो है ये पेडागॉजी का उल्टा होगा. ठीक है, एंड्रे गोगोई तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एडल्ट. पेडागॉजी में देखा था हमने चिल्ड्रन को पढ़ा रहे थे, बट यहाँ एंड्रेगोगी में क्या होगा, हम एडल्ट को जो पढ़ा रहे हैं. ठीक है, जितने भी मेथड्स या प्रिंसिपल जो हम यूज करेंगे एडल्ट को पढ़ाने के लिए, एडल्ट के एजुकेशन में, उसको हम लोग एंड्रेगोगी बोलेंगे. ठीक है, एंड्रेगोगी जो है ये भी ग्रीक वर्ड से आपका जो है वो ऑरिजिनेट हुआ है. ठीक है, एंडर मीन्स मैन एंड एगोगोस मीन्स लीडर ऑफ. ठीक है, मतलब कि एंड्रेगोगी मीन्स लिटरली मीन्स द लीडिंग मैन. ठीक है, मतलब जो हम बच्चे को नहीं बड़े को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पेडागॉजी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे लीडिंग चिल्ड्रन आएगा. ठीक है, उसका होता है पेडागॉजी. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों है, ये दोनों उल्टे अपोजिट वर्ड्स हैं, अपोजिट मीनिंग्स हैं इन दोनों की. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 13 कह रहा है द मेन मोड ऑफ एक्सटेंशन इन द फार्मर्स फर्स्ट मॉडल इज. ठीक है, जो मेन मोड है इसमें एक्सटेंशन में जो फार्मर फर्स्ट मॉडल था वो क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फार्मर टू फार्मर. ठीक है, जो फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन अप्रोच था इन एग्रीकल्चर वो क्या था, एक सिस्टमेटिकली यूटिलाइजेशन था कम्युनिटी लीडरशिप का एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो कि हो रहा था बिटवीन फार्मर्स. ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और जो लीडरशिप कम्युनिटी जो फॉर्म हो रहा था, यूटिलाइजेशन जो हो रहा था किसका यूटिलाइजेशन, तो कम्युनिटी लीडरशिप का एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो किसके बीच हो रहा था, बिटवीन फार्मर्स के बीच हो रहा था. ठीक है, फार्मर टू फार्मर ये अप्रोच था वो मेन एम इसका क्या था कि स्ट्रेंथन करना इन्फॉर्मेशन फ्लो को एंड इनहेंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ठीक है, यही था कि अगर जैसे फार्मर टू फार्मर एक दूसरे को अगर अप्रोच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा. ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा तो इससे चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी पुशअप कर सके. ठीक है, उसको बूस्ट कर सके, क्योंकि तो नॉलेज तो शेयर हो रहा है, इससे क्या होगा कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द लैटिन रूट्स ऑफ द वर्ड एक्सटेंशन. ठीक है, एक्सटेंशन का जो लैटिन रूट्स है ये क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक्स एंड टेंसियो. ठीक है, तो जो एक्सटेंशन है ये लैटिन वर्ड से जो है ड्राइव वन. ठीक है, ये दो में बांटा गया है, एक्स एंड टेंसियो. ठीक है, या फिर हम लोग उसको टेंसेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, टेंसेस या टेंसियो, जो एक्स है इसका मतलब होता है आउट एंड टेंसियो मतलब कि स्ट्रेचिंग. ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सटेंशन है ये एक टाइप ऑफ एजुकेशन है जहाँ पे जो है हम लोग जो स्ट्रेच आउट हो रहा है विलेजेस का एंड फील्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू विच द फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन इज नॉर्मली कन्फाइंड टू इट. ठीक है, जैसे जो स्कूल्स या कॉलेज होता है वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन होता है. ठीक है, जो कि हम बहुत लिमिटेड वे में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग आउट हो रहा है जो भी नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं विलेजेस में, रूरल सोसाइटी में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग आउट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे कन्फाइंड नहीं है नॉलेज, यहाँ पे क्या है कि अनलिमिटेड है, हम बहुत कुछ यहाँ पे सिखा रहे हैं अंडर द एक्सटेंशन एजुकेशन में. ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे इसका मीनिंग होता है, एक्स मीन्स आउट एंड टेंसिस या टेंसियो मतलब स्ट्रेचिंग. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 15 कह रहा है ऑन द एवरेज पीपल आर ओनली डैश इफेक्टिव एज लिसनर. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑन एन एवरेज जैसे पीपल है वो कितने परसेंटेज है वो इफेक्टिव रहता है एज अ लिसनर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 25%. ठीक है, 25% जो है इसका आंसर होगा. ठीक है, जैसे जो जितने भी जनरली जो लिसनर्स है वो ऑन 25% जो है वो अपना एफिशिएंसी दिखाते हैं सुनने में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है मोर इंटरेस्टिंग वर्क इज अ टाइप ऑफ. ठीक है, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्क है वो किस टाइप का जो है रिवार्ड प्रोवाइड करता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड.
ठीक है। यहाँ पे दो तरह का रिवॉर्ड होता है, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक। ठीक है, इंट्रेंसिक रिवॉर्ड मतलब कि ऐसा रिवॉर्ड जो कि साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज को मिलता है ऐसा रिवॉर्ड, इंट्रेंसिक रिवॉर्ड जो जो कि उनको अपने वर्क से मिलता है। अगर वो किसी मीनिंगफुल वर्क को करते हैं या फिर कोई चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करते हैं अपने वर्क को, मान लीजिए, या फिर अपने कोई चैलेंजिंग टास्क को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ये इंट्रेंसिक रिवॉर्ड मिलता है, मतलब अंदर से वो रिवॉर्ड मतलब फील होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। और एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड क्या होता है, तो ऐसा रिवॉर्ड जो कि एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दिया जाता है, जैसे कि उनको मान लीजिए कि सैलरी बढ़ा दी गई, उनको बोनसेस प्रोवाइड किया गया, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे दिया गया, तो ये क्या है, बाहरी रिवॉर्ड है, बाहर से मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो ये एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड होगा। ठीक है, लेकिन इंट्रेंसिक रिवॉर्ड क्या होगा, जो अंदर से मिल रहा है, जो आपको अंदर से फुलफिलमेंट आ रही है या फिर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको हम लोग इंट्रेंसिक रिवॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपको भी अच्छा जो इंटरेस्टिंग वर्क है वो आप करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी, उसी को बोल रहा है इंट्रेंसिक रिवॉर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, व्हाट सेटिस्फाइज हायर ऑर्डर नीड्स। ठीक है, क्या सेटिस्फाई करता है हायर ऑर्डर नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। ठीक है, तो अगर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी है या फिर स्टीम है, ये दोनों जो है सेटिस्फाई क्या करता है, हायर ऑर्डर नीड्स। थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि फुलफिलमेंट मिलना या फिर रियलाइजेशन होना ऑफ वंस टैलेंट या फिर पोटेंशियलिटीज, एंड स्पेशली कंसिडर्स एज अ ड्राइव और अ नीड प्रेजेंट इन एवरी वन। ठीक है, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि खुद को पहचाना कि आप में क्या ऐसा टैलेंट है या फिर क्या पोटेंशियल है जिससे आपको क्या अच्छा लग रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सब में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कोई ना कोई समय, कोई ना कोई वो गुण रहता है या कोई टैलेंट रहता है जिसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा स्टीम। ठीक है, स्टीम मतलब क्या है, रिस्पेक्ट या फिर एडमायरेशन। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये हायर ऑर्डर नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इंक्लूड्स। ठीक है, जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन ये क्या इंक्लूड करता है, तो क्या होगा इसका आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करता है और ये न्यू टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि शोइंग बाय डूइंग। ठीक है, किसी चीज को करके दिखाना, किसी चीज को शो करना, उसके बाद उसको करना। ठीक है, शोइंग बाय डूइंग। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है एक तरह का लॉन्ग टाइप डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो है वैल्यू या फिर वर्थ ऑफ द न्यू प्रैक्टिस को शो किया जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं बिटवीन टू प्रैक्टिस। ठीक है, किससे किस दो प्रैक्टिस के बीच में कंपेरिजन करते हैं, तो एक ओल्ड एंड न्यू के बीच में जो है ये हम लोग हमेशा प्रैक्टिस कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, यहाँ जो रिजल्ट्स होते हैं वो बोथ प्रैक्टिस के दिखाए जाते हैं। ठीक है, ओल्ड एज वेल एज न्यू। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन अडॉप्शन। ये जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा कहाँ पे इफेक्टिव है, तो अडॉप्शन प्रोसेस में जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, ये जो है यूजली जो है ये शो किया जाता है टू शो द सुपियोरिटी ऑफ द प्रैक्टिसेस। ठीक है, यहाँ पे सुपियोरिटी ऑफ द प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, क्या करिए कॉपी लीजिए, वहाँ पे आप नोट डाउन करते जाइए, ये सब आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है, द अर्ली अडॉप्टर्स कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि द अर्ली अडॉप्टर्स कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन पूछा है कि जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वो कितने रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 13.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं मतलब कि ऐसे पीपल जो अडॉप्ट कर लेते हैं थ्रू लोकल लीडर्स एंड कॉन्स्टिट्यूट जो करते हैं वो 13.5% टोटल पॉपुलेशन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ नया आया तो अडॉप्ट कर ले, वो चीज़ का वो ले ले रहे हैं, अडॉप्ट कर ले रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं, तो ये थ्रू दी लोकल लीडर्स के थ्रू जो है ये समझ रहे हैं। ठीक है, तो इनका कितना पॉपुलेशन, 13.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये जो कैटेगराइजेशन है ये न्यू इनोवेशन अडॉप्टर्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो इनोवेटर्स है वहाँ पे 2.5% टोटल पॉपुलेशन रहता है, अर्ली अडॉप्टर है उनका 13.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन रहता है, अर्ली मेजोरिटी 34%, लेट मेजोरिटी 34%, एंड जो लेगार्स होते हैं वो भी 16% रहते हैं एज अडॉप्टेड इनोवेटर्स इन लास्ट। ठीक है, जो इनोवेशन होता है वो ना अडॉप्ट करते हैं बहुत लास्ट में, इसलिए इसको लेगार्ड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ टोटल मेजोरिटीज। ठीक है, यहाँ पे टोटल मेजोरिटी जो है अडॉप्टर्स में उनका कितना परसेंटेज है, यहाँ यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 34। अभी जस्ट मैंने बताया था सबका परसेंटेज, जो भी कैटेगराइज जो कैटेगरीज कर दिया गया था अकाउंट ऑफ जी अडॉप्टर, जो भी अडॉप्टर्स का कैटेगरीज किया था मैंने, सब अभी सबका परसेंटेज बताया, फिर से बता रही हूँ कि जो टोटल ये जो परसेंटेज है वो टोटल मेजोरिटी कितना है, तो 34%। ठीक है,
34 यहाँ पे टोटल मेजोरिटी मतलब क्या होती है, यहाँ पे अगर अर्ली मेजोरिटी है उसका भी 34% है, अगर लेट मेजोरिटी है वो भी 34%, तो आप कंफ्यूज होने का बात ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सा मेजोरिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो अर्ली मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि ऐसे पीपल जो अडॉप्ट कर लेते हैं इनोवेशन बिफोर अडॉप्टिंग द कॉमन पीपल एंड नॉट द लोकल लीडर्स, ठीक है। ये जो अर्ली मेजोरिटी होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कॉमन पीपल है वो वहाँ पे इनोवेशन नहीं अडॉप्ट किए हैं, और जो ये अर्ली मेजोरिटी अडॉप्ट कर लिए रहते हैं उस टाइम तक, और जो यहाँ पे है ये लोकल लीडर्स जो है वहाँ पे नहीं अडॉप्ट करते हैं, वो वहाँ से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। और जो लेट मेजोरिटी है वो क्या करते हैं, जो पीपल वो अडॉप्ट करते हैं यहाँ पे इनोवेशन बाय सीइंग देयर रिलेटिव्स एंड नेबरहुड्स एंड कॉन्स्टिट्यूट 34% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। ये आसपास देखते हैं, आसपास देखते हैं कि कौन कैसे क्या कर रहा है, वो इनोवेशन कैसे यूज कर रहा है, मान लीजिए कैसे अडॉप्ट किया है, वो अपने रिलेटिव या फिर नेबर्स को देख के, आसपास के लोगों को देख के, तब तो वहाँ पे वो अडॉप्ट करते हैं उस इनोवेशन को, तो उसको हम लोग लेट मेजोरिटी बोलते हैं, ठीक है। दोनों का 34% जो है पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है विच इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ट्रू पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्च डेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो 1948 में लॉन्च किया गया था। चलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। जो गुड़गांव प्रोजेक्ट है ये हरियाणा में लॉन्च हुआ था, हरियाणा में मेनली जो है ये गुड़गांव प्रोजेक्ट को जो है किया गया था कब, 1920 में, ठीक है। इसका लॉन्च डेट कब है, 1920 में। और यहाँ पे जो थे वो कौन थे, वर्कर बी एफ एल ब्रायन, जो एफ एल ब्रायन थे वो यहाँ पे वर्कर थे। इनका जो रिमार्क था वो क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज गाइड, ठीक है। नेक्स्ट है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये तो सही है, 1948 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन थे यहाँ पे वर्कर, एल्बर्ट मेयर, ठीक है। एल्बर्ट मेयर थे जिन्होंने इटावा पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था 1948 में, ठीक है। उसके बाद सीडीपी, सीडीपी का फुल फॉर्म है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया था, तो इसको 2 अक्टूबर 1952 में जो है लॉन्च किया था, गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर कब, ईयर 1952 में। कौन लॉन्च किया था, तो बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्या है, मार्थेंडम प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपका केरला में लॉन्च हुआ था, तो कब लॉन्च हुआ था, तो 1928 में, ठीक है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको लॉन्च किया था, कौन थे, स्पेंसर हैच, ठीक है, जो कि वर्कर थे यहाँ पे। और यहाँ इसका रिमार्क क्या था, विद द हेल्प ऑफ यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट था, तो YMCA का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था। कहाँ पे, मार्थेडम प्रोजेक्ट में YMCA का जो है इन्वॉल्वमेंट था। YMCA का फुल फॉर्म क्या है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, पपेट शोज आर पॉपुलर इन, जो पपेट शो है वो कहाँ पे पॉपुलर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 22 का ऑप्शन ए, रूरल एरियाज। पपेट शो जो है ये रूरल एरिया में काफी फेमस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो पपेट शो होता है वो ऑडियो विजुअल एड्स होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो प्लस विजुअल दोनों दिखाया जाता है, आवाज भी दी जाती है प्लस दिखाया विजुअल भी दिखाया जाता है, ठीक है। विजुअल तो हम आंख से देख सकते हैं, ठीक है। और ऑडियो ऑडियो विजुअल और पपेट शो के अलावा क्या क्या आएगा, तो ऑडियो विजुअल एड में आपका ड्रामा आ जाएगा, टेलीविजन आ जाएगा, सिनेमा आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम इसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है, विजुलाइज भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं किसी भी शो को, ठीक है। अगर आपके पास ऑडियो एड रहेगा, तो ऑडियो में आपका क्या होगा, रेडियो आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर। इसमें क्या होता है, बस हम सुनते हैं उसको, हम देखते नहीं, बस सुनते हैं। और जो विजुअल है इसमें क्या आ जाएगा, विजुअल एड में जैसे फ्लैश कार्ड्स हो गए, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड्स हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं उस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, ठीक है। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या, टी एंड बी प्रोग्राम भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टी एंड बी प्रोग्राम। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें लॉन्च डेट पूछा जा रहा है, ठीक है। लॉन्च डेट, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए, 1973। जो ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम है इसको 1973 में है जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। टी एन बी जो सिस्टम है ये एक न्यू एक्सटेंशन सर्विस अप्रोच है, ठीक है, जो कि इवॉल्व किया था 1973, तो किसके द्वारा, बाय इजरायली एक्सटेंशन एक्सपर्ट डैनियल ब्रेनर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये साइंटिस्ट जो थे डेनियल बेनर, ठीक है, ये क्या था, इजरायली एक्सटेंशन एक्सपर्ट थे, ठीक है, डैनियल बेनर, ठीक है, डीवी डैनियल बेनर, जो कि एक कंसल्टेंट थे ऑन द एक्सटेंशन प्रोग्राम इन वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये इजरायली थे। इस ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम को ऑल्सो नोन एज बेस्टर एंड बेनॉर, ठीक है, ध्यान रखना है, बेस्टर एंड बेनॉर भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो स्कीम था ये फर्स्टली जो है इवॉल्व किया गया था इन टर्की बाय द इंसिडेंटल लर्निंग, ठीक है, इंसिडेंटल लर्निंग के थ्रू जो है ये जो इवॉल्व हुआ था कहाँ पे, टर्की में, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे दो फेज आता है, ठीक है, दो फेज या फिर स्टेज बोल दीजिए आता है कहाँ पे, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम है, यहाँ पे टू स्टेजेस इन्वॉल्व है, एक है पहला ट्रेनिंग एंड सेकेंड है विजिट, ठीक है। पहला स्टेज क्या है, ट्रेनिंग, सेकेंड है विजिट। जो इंडिया में टी एन बी सिस्टम जो है इसको लॉन्च किया गया था 1974 में,
ठीक है, कहाँ पे? तो राजस्थान कैनाल एरिया में एंड चंबल कमांड एरिया में, ठीक है, इन एमपी, टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम ये इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, तो 1974 में, ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1973, मतलब एक साल जस्ट बाद हमारे इंडिया में लॉन्च हो गया था 1974 में। कहाँ पे? तो एक तो पहला राजस्थान कैनाल एरिया में और दूसरा कहाँ, चंबल कमांड एरिया एमपी मध्य प्रदेश। क्यों लॉन्च किया गया था इंडिया में? सो दैट कि हम इम्प्रूव कर सके इफेक्टिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 24 कह रहा है वेस्टर्न एंड बेनॉर स्कीम इज एंड द नेम ऑफ, ठीक है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये किसका नाम है, टीएनवी प्रोग्राम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीएनवी प्रोग्राम, या फिर हम लोग उसको ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम भी बोलते हैं, या फिर ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, ठीक है, जो कि लॉन्च कब हुआ था, 1973 में, इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, 1974 में, कहाँ कहाँ लॉन्च हुआ था, एक तो राजस्थान कैनाल एरिया में और एक दूसरा चंबल कमांड एरिया एमपी। क्यों लॉन्च किया गया था? सो दैट कि हम इफेक्टिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को इम्प्रूव कर सके। इसका क्या दो फेज है, टीएनवी प्रोग्राम का दो फेज है, पहला ट्रेनिंग, दूसरा क्या है, विजिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कॉपरेटिव मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, ठीक है, जो कॉपरेटिव मूवमेंट है वो कब स्टार्ट किया गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी 1904, ठीक है। जो कॉपरेटिव मूवमेंट है ये किसने दिया था, तो ये एफ निकोलसन ने दिया था, ठीक है, 1904 में लॉन्च हुआ था इन्हीं के द्वारा, और इसका रिमार्क क्या है, इंडिविजुअली फाइनेंस, ठीक है, ये इंडिविजुअली फाइनेंस्ड है, ये इसका रिमार्क है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिविजुअली फाइनेंस्ड। दूसरा ये एफ निकोलसन जो है यहाँ पे जो है वर्कर है, या फिर जो इनको लॉन्च किया था कब लॉन्च किया, 1904 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, एफ निकोलसन इज नोन एज, ठीक है, अभी जस्ट बताया ये किससे एसोसिएट है, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट से, जो कि लॉन्च हुआ था 1904, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो एफ निकोलसन है ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को लॉन्च किए थे कब, 1904 में, और ये इसका कैरेक्टर क्या है, ये रिमार्क क्या है इसका, इंडिविजुअली फाइनेंस्ड है, ये इंडिविजुअली फाइनेंस्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ रूरल सोसाइटी, कौन सा जो ऑप्शन है वो बेसिक यूनिट है रूरल सोसाइटी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी विलेज, ठीक है, जो विलेज है ये बेसिक यूनिट है रूरल सोसाइटी का, ये जो रेडी है एक साइंटिस्ट है रेडी, ठीक है, रेडी 1985 में इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी का, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो विलेज है ये बेसिक यूनिट है रूरल सोसाइटी का, यहाँ पे जो पीपल है ये बिजनेस कैरी करते हैं और साथ में रहते हैं विद अ डिस्टिंक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट एंड सोशल कस्टम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप का जो फ्रेमवर्क है उनका कास्ट का एंड सोशल कस्टम का, इसके वजह से ये क्या करते हैं, ये बिजनेस में एक साथ रहते हैं, ठीक है, यहाँ जो विलेज के जो पीपल हैं वो सोशल एंड कल्चर यूनिट जो है वो पॉजिस करते हैं, ठीक है, जो कि एक यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करता है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, तो इसके वजह से क्या है कि मेनी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलता है इन द इंटायर इंडियन कंट्री साइड, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक साथ रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, तो वो भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है, फार्म एंड होम विजिट्स आर, ठीक है, जो फार्म एंड होम विजिट्स है वो क्या है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कि किसी के घर में जाते हैं या फिर किसी के यहाँ पर्टिकुलरली विजिट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं है, अगर आप किसी के घर जाते हैं वहाँ पे क्या होगा, एक पीपल रहेंगे, अगर आप इसे कॉन्टैक्ट मान रहे तो यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट हुआ, पर्सनल कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है। चलिए इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड का थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या होता है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड जो है ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है कम्युनिकेशन के अंदर जो आता है, पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे ये फेस टू फेस होता है, ठीक है, या फिर पर्सन टू पर्सन होता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन होता है, एक फेस टू फेस होता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कहाँ पे, टीचिंग प्रोसेस में, टीचिंग में इफेक्टिव है, क्वांटम ऑफ फीडबैक देने में ईजी है, ठीक है, जो कि अवेलेबल रहता है इन वेरी हाई बट स्लो कम्युनिकेशन, लेकिन ये क्या होता है, स्लो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट है, सही बात है, अगर एक इंसान एक ही से बात करता है यहाँ पे क्या होगा कि लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन जा पाएगी, तो यहाँ पे स्लो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, मास में नहीं है जो कि एक ही बार में बहुत ज्यादा लोग को इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्लो कम्युनिकेशन होगा, यहाँ पे क्वांटम ऑफ फीडबैक अवेलेबल जो है वो वेरी हाई होगा, ये बहुत ही वेरी इफेक्टिव है कहाँ पे, टीचिंग मेथड में, टीचिंग प्रोसेस में, ठीक है।
जैसे इसका एग्जाम्पल एक तो आप देख लिया, यहाँ पे फार्म एंड होम विजिट होगा, इसके अलावा आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट हो गया, या फिर टेलीफोनिक कॉल हो गया, ऑफिस कॉल हो गया, पर्सनल लेटर्स हो गया, फिर रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। ये सब क्या है आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है, ठीक है। ऐसे जो क्लासीफाई किया गया कम्युनिकेशन को वो आपको तीन देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड एंड मास कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके पहले क्वेश्चन, इस सेशन को कंटिन्यू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप इफको एजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इफको एजीटी एग्जाम, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं सिर्फ आप सिर्फ 1600 रुपीज में, जो कि अभी आपको 60% ऑफ चल रहा है, ठीक है। 60% ऑफ चलने की वजह से क्या है, आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो कोर्स है आपको वैलिड रहेगा टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। तो इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशंस दिए जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यहाँ पे आप 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे और इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी है, वो भी इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ से जो है 25+ स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। कहाँ पे, तो इफको एजीटी एग्जाम है जो कि मैक्सिमम इंडिया में, इसमें से आप भी एक हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। इस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करिए, विजिट करिए और इस कोर्स को परचेस करिए, ठीक है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है ये स्क्रीन में जो दिया गया यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर फुल कोर्स की डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब अपना जो सेशन है वो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, क्या बोल रहा है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है ये किसका कैसा है, शॉर्ट है कि लॉन्ग है कि कैसा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए शॉर्ट, ठीक है। जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है ये शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड ओनली स्किल, ठीक है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन इसको ओनली ये स्किल प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कोई भी ये कंपेयर नहीं करता है ओल्ड एंड न्यू टेक्निक या फिर और स्किल, या फिर इट मीन्स कंपेरेटिव स्टडी कैन नॉट बी डन, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा, एक हमने रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा था जहाँ पे हम ओल्ड एंड न्यू जो प्रैक्टिस है वहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन ये मेथड डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे हम कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेन पर्पस इसका क्या है कि स्किल प्रोवाइड करना, ठीक है, स्किल प्रोवाइड करना, और ये एक शॉर्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेशन है, और यहाँ पे हम कोई ओल्ड एंड न्यू टेक्निक के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर हमें कंपैरेटिव स्टडी करना हो तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग है, ठीक है, बहुत पुराने टाइप का टीचिंग है ये, और जो फादर है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के वो कौन है, डॉक्टर सीमन ए का नैप है, ठीक है, कनैप, ये आपके फादर है, ठीक है। ये सिंगल प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल की, जैसे कोई फार्मर है तो उसको नहीं पता चला कि ट्रैक्टर कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, तो यहाँ पे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, यहाँ पे बताया जाएगा कि यहाँ पे ऐसे ट्रैक्टर ऑपरेट होता है। जैसे किसी को नहीं पता है फार्मर को कि कैसे फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम सिखाएंगे कि कैसे फर्टिलाइजर अप्लाई होता है इन द ये फील्ड में, क्रॉप प्लांट में हम कैसे फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या क्या होगा, एक तरह से हम स्किल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ट्रैक्टर कैसे चल रहा है, हम किसी चीज का छिड़काव कैसे कर रहे हैं, केमिकल्स का या फिर पेस्टिसाइड हर्बिसाइड सबका, ठीक है, एक तरह का स्किल है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टाइप डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड किया जाता है और नो कंपेरिजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 30, 30 बोल रहा है कि द इनोवेटर्स कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। जो इनोवेटर्स है इनका कितना पॉपुलेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.5%, ठीक है। जो इनोवेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे पीपल जो अडॉप्ट कर लेते हैं इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग नॉलेज, ठीक है। जैसे कोई नॉलेज उन्हें मिला, ठीक है, अगर वो कुछ नया चीज सीखे तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये टोटल कितना पॉपुलेशन रहता है, तो ये टोटल इनोवेटर्स जो है 2.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा कि जो अडॉप्टर्स है उनका ये कैटेगरीज बताया जा रहा है, ठीक है। अडॉप्टर्स का कैटेगरीज है, तो 5 ग्रुप में अडॉप्टर्स को जो है वो बांटा गया है, पहला है इनोवेटर्स, दूसरा है अर्ली अडॉप्टर्स, तीसरा है अर्ली मेजोरिटी, चौथा है लेट मेजोरिटी, एंड पांचवा है वो लैगार्ड, ठीक है। सबका अलग अलग परसेंटेज है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो आपको ये जो परसेंटेज का जो वैल्यू है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है, और जो परसेंटेज कितना वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो आपको याद रखना है। क्या कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए और उसको डेली रिवाइज करिए, ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। जस्ट अभी मैंने बताया इनोवेटर्स का यहाँ पे 2.5% है टोटल पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, अर्ली अडॉप्टर्स का कितना 13.5%, अर्ली मेजोरिटी एंड लेट मेजोरिटी का कितना 34% टोटल पॉपुलेशन, और जो लैगार्ड है उनका कितना 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, क्या बोला, डेस्टिनेशन इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट्स कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल है जहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो एंड रिजल्ट है या फिर फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वीवर्स, ठीक है। ये जो मॉडल है, क्या बोलते हैं इसको, मॉडल जो दिया है जिन्होंने, शेनॉन एंड वीवर, ठीक है, किस ईयर में, तो 1949 में जो है ये इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे जो है वो डेस्टिनेशन जो है फाइनल प्रोडक्ट, कैसे, थोड़ा सा हम इनका मॉडल देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स, ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स है तो यहाँ पे आपका मैसेज जाएगा किसको, तो यहाँ पे आपको ट्रांसमीटर को जो है यहाँ पे मैसेज आएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स है, यहाँ पे आपको ट्रांसमीटर को क्या जाएगा, मैसेज, ठीक है। ट्रांसमीटर से यहाँ पे आ जाएगा आपका चैनल, ठीक है। ट्रांसमीटर से आपको कहाँ जाएगा जो इन्फॉर्मेशन, चैनल को, ठीक है। चैनल के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा रिसीवर, रिसीवर के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा डेस्टिनेशन, ठीक है। जो यहाँ पे, अगर जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स है, जो ट्रांसमीटर है, इसके बीच में आपका मैसेज जो है यहाँ पे आपको ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो चैनल है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे चैनल में नॉइस सोर्स आ जाएगा, ठीक है, नॉइस सोर्स। फिर जो चैनल और रिसीवर है, यहाँ पे आ जाएगा आपका रिसीव सिग्नल, जो सिग्नल रिसीव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका डेस्टिनेशन और रिसीवर के बीच में, यहाँ पे आ जाएगा रिसीव मैसेज, ठीक है। ये आपका जो है ये कम्युनिकेशन मॉडल है किसका, जो कि गिवन बाय दी शेनॉन एंड वीवर, कौन सी ईयर में, तो आपको ध्यान रखना है 1949 में जो है इन्होंने ये मॉडल दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1949 जो ईयर है, ठीक है, किसने, शेनॉन एंड वीवर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है, ऑगस्ट कॉम्प्टे इज नोन एज, ठीक है, जो ऑगस्ट कॉम्प्टे है इनको क्या बोला गया है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ठीक है। ऑगस्टे कॉम्प्टे जो है इनको फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 33 कह रहा है, एन एक्सटेंशन टीचिंग इंक्लूड्स, ठीक है, जो एक्सटेंशन हमारा टीचिंग है वो क्या इंक्लूड करता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। टीचिंग स्टेप्स हैं, ठीक है, कुछ टीचिंग स्टेप्स हैं इनका, हम मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, आपको ध्यान रखना है, AIDCAS, ठीक है। यहाँ पे जो पहला स्टेप है ये क्या था, अटेंशन, ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले भी मैंने बताया है इसका स्टेप्स क्या होता है एक्सटेंशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो पहला जो है ये क्या है, ए से अटेंशन पहला स्टेप है, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है हमारा इंटरेस्ट, जो हमारा थर्ड स्टेप है यहाँ पे क्या जाएगा, डिजायर, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे फोर्थ स्टेप है ये कॉन्विक्शन, फिफ्थ स्टेप जो है हमारा ये क्या है, एक्शन, और जो सिक्स स्टेप है ये है हमारा सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आपको ये टीचिंग स्टेप जो आपको ये शॉर्ट फॉर्म में AID एड क्या सबके याद रखना है, सो दैट कि आपको ध्यान रहे, ए से अटेंशन, आई से इंटरेस्ट, डी से डिजायर, सी से कन्विक्शन, ए से एक्शन, एस से सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एक्सटेंशन टीचिंग जो है ये तीनों इंक्लूड करता है, कन्विक्शन, डिजायर, एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हु डिड नॉट गिव एनी कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। इस जो गिवन ऑप्शन में से किसने जो है कम्युनिकेशन मॉडल नहीं दिया था, तो पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि कौन कौन जो है, किसने जो है मॉडल प्रोवाइड किए थे, कौन सी ईयर में, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, जो मॉडल प्रोवाइड किया गया था किसके द्वारा, तो पहला है वो एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल ने 385 से 322 BC में जो है प्रोवाइड किया था, मतलब दिया था कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि पहला आता है स्पीकर, स्पीकर से आता है आर्ग्यूमेंट या फिर स्पीच, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आता है लिसनर, ठीक है, या फिर ऑडियंस। ये मॉडल था किसका, एरिस्टोटल का, ठीक है। जो दूसरा मॉडल था वो है हमारा लासवेल ने, ठीक है, कब दिया था, 1948 में जो है लासवेल ने मॉडल दिया था कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या दिया था, तो पहले था हु, मतलब स्पीकर, हु कौन है, स्पीकर है। उसके बाद व्हाट, मैसेज जो दे रहा है, फिर था चैनल जो मीडियम है, फिर आ रहा है हुम, मतलब ऑडियंस या लिसनर, फिर आ रहा है आपका इफेक्ट, ठीक है। ये जो मॉडल था ये लासवेल ने दिया था। वैसे ही जो मॉडल गिवन बाय शेनॉन एंड वीवर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो इन्फॉर्मेशन सोर्स था वो ट्रांसमीटर के पास जा रहा था, ट्रांसमीटर से चैनल के पास, चैनल से रिसीवर के पास, रिसीवर डेस्टिनेशन के पास, ठीक है। जो चैनल है वहाँ पे नॉइज सोर्स है, और इन्फॉर्मेशन सोर्स और ट्रांसमीटर सोर्स के बीच में मैसेज आ रहा है। चैनल रिसीवर के बीच में जो है रिसीव सिग्नल है, रिसीवर और डेस्टिनेशन के बीच में रिसीव मैसेज है, ठीक है। ये किसने दिया था, तो शेनॉन एंड वीवर ने दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो फोर्थ आता है, उसका जो मॉडल था उन्होंने प्रोवाइड किया था साचमैन ने, ठीक है, 1954 में। उसके बाद बर्लोज मॉडल था 1960 में, उसके बाद लीगन्स मॉडल था 1963 में। तो जितना भी मैंने नाम बोला इसमें से आपका जो ये ब्रायन है, ठीक है, जो ऑप्शन बी है ब्रायन, ये कोई भी मॉडल इन्होंने नहीं दिया था। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रायन, ठीक है। बर्लोज ने दिया था बर्लोज मॉडल 1960 में, एरिस्टोटल ने दिया था 365 से 322 BC में, और वीवर में भी दिया था 1949 में, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रायन है इन्होंने कोई मॉडल प्रोवाइड नहीं किया कम्युनिकेशन का, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 35 कह रहा है, हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है, कौन है इसके फादर, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर सीमन ए कनैप,
ठीक है। जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है, एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन, तो शॉर्ट आई डेमोन्स्ट्रेशन है। यहाँ पे क्या होता है, मेन पर्पस जो है ओनली स्किल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मेन प्रोवाइड क्या है, जो है मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका स्किल प्रोवाइड करना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कंपेरिजन या फिर कोई भी कंपेरेटिव स्टडी नहीं किया जाता है कोई भी ओल्ड एंड न्यू टेक्निक के बीच में, ठीक है। ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग है। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेशन होता है। मान लीजिए कोई ये फार्मर है, उनको सीखना है कि कैसे हम ट्रैक्टर ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे ये सिखाया जाता है, एक तरह का स्किल है, ठीक है। स्किल टाइप मेन पर्पस है स्किल प्रोवाइड करना, ठीक है। कौन है फादर, डॉक्टर सीमन ए नैप, ठीक है, फादर ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर, द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडॉप्शन इज, ठीक है। जो पहला स्टेज है एडॉप्शन में वो क्या है, 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवेयरनेस, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा अवेयरनेस, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि जो एडॉप्शन होता है वो क्या होता है। एडॉप्शन मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल मैटर या फिर जो फेनोमेनन है, और या फिर बिहेवियर सोशल इकोनॉमिक फेनोमेन है या फिर मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम लोग एडॉप्शन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल मैटर है या फिर कोई भी फेनोमेन है या फिर बिहेवियर सोशल इकोनॉमिक फेनोमेन है या फिर मेंटल प्रोसेस, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एडॉप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको वेरियस स्टेजेस देखने को मिलते हैं एडॉप्शन के। तो पहला स्टेज क्या है, अवेयरनेस, ठीक है। सेकेंड स्टेज है इंटरेस्ट। थर्ड स्टेज जो है वो इवैल्यूएशन है। फोर्थ स्टेज जो है वो ट्रायल है। और जो फिफ्थ स्टेज है वो है अडॉप्शन, ठीक है। ये यहाँ पे आता है, पांच स्टेज होते हैं अडॉप्शन के, ठीक है। तो यहाँ आपको पांचों स्टेप जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी होता है एलिमेंट्स ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस। ये भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाता है आपका इनोवेशन, डिफ्यूजन, मोटिवेशन, अडॉप्शन, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है अडॉप्शन प्रोसेस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, लर्निंग बाय डूइंग वॉज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। हम लोग किसी चीज़ को सीख रहे हैं बाय उसको करके, ठीक है। किसी चीज़ को करके हम लोग सीख रहे हैं, तो उसको किसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे जो है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 37 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, ट्राइसेम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये इसका होता है फुल फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है कब लॉन्च किया गया था, तो लॉन्च किया गया था 1979 में, ठीक है, अंडर 6th 5-year प्लान में, ठीक है। जो 6th नंबर जो हमारा 5-year प्लान था उसमें जो है इसको लॉन्च किया गया था ट्राइसेम को, ठीक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि नॉलेज मिलना चाहिए, नॉलेज या फिर हम लोग जो कोई सीख रहे हैं उसको करना है बाय डूइंग या फिर लर्निंग बाय डूइंग, टू प्रोवाइड टेक्निकल स्किल्स टू द रूरल यूथ बिटवीन एज 18 to 35 years ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, या मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हम किसी चीज़ को करके सीख रहे हैं, और ये टेक्निकल स्किल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है किसको, रूरल यूथ को, ठीक है। जो गांव में जितने भी यूथ हैं, जो जिनका एज जो है फॉल कर रहा है 18 to 35 years ओल्ड के बीच में, उनको टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। कैसे करके, तो बाई उनको बाय करके, करके दिखाया जा रहा है उनको, और करके देखना है उसके बाद उसको सीखना है, ठीक है। ये कौन लॉन्च किया था ट्राइसेम को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 38 कह रहा है, क्या बोल रहा है, द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज स्टार्टेड इन, ठीक है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अक्टूबर 2007, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग NFSM से भी जानते हैं, NFSM, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया था 2007 में, ठीक है, अक्टूबर 2007 में। और किसके रिकमेंडेशन में ये आया था, तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सब कमेटी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, NDC, इसके जो है रिकमेंडेशन पे आया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का, मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं प्रोडक्शन को, अगर हम लोग एरिया एक्सपेंशन को बढ़ाते हैं या फिर हम लोग प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लाएगा, और जो फार्म लेवल इकोनॉमी है मतलब जितने भी फार्मर्स को जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे बढ़ेगा, जो कि है क्या करेगा, जो है रिस्टोर कर देगा फार्मर्स के कॉन्फिडेंस को, ठीक है, यहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 39 कह रहा है, द मेन एम ऑफ IRDP वॉज, ठीक है। जो मेन एम है IRDP का वो क्या है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। जो IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आपको ध्यान रखना है IRDP का फुल फॉर्म क्या, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्या होता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 2 अक्टूबर 1980 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 1980 में लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये जो नॉन प्लान प्रोग्राम है जो कि एम करता है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ फैमिली, ठीक है, जितना भी जितने भी ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट करता है ये फैमिली को।
ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए किसका, तो फैमिली को, ये इंपॉर्टेंट है, इसका रिमार्क है ठीक है, किसका, IRDP का ये रिमार्क है कि डेवलपमेंट ऑफ फैमिली कराता है ठीक है, नॉट इंडिविजुअल, नॉट वुमेन, बट ऑफ फैमिली, पूरे परिवार का यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 40 कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस स्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है, स्पिरिट डी कॉर्प्स का मीनिंग पूछ रहा है ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन डी, टिम स्पिरिट ठीक है। ये जो स्पिरिट डी कॉर्प्स है, ये क्या है, फ्रेंच फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है स्पिरिट ऑफ द ग्रुप, जो कि हम लोग यूज करते हैं यूज टू मीन अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप ठीक है, मतलब जो कि बिलोंग से, जो मतलब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, या फिर हैविंग द प्राइड इन शेयरिंग इट्स एम्स ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या देख रहा है, यहाँ पे जो है टीम स्पिरिट दिखा रहा है ठीक है, जो स्पिरिट ऑफ द ग्रुप, तो ग्रुप का जो स्पिरिट है मतलब कि टीम स्पिरिट ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, टीम स्पिरिट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है, हु कॉन्सेप्चुलाइज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ये किसने बोला है, कौन डेफिनेशन दिया है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, इसका प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैनेजमेंट है, हम इस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं जहाँ पे कि जैसे कोई वर्किंग प्लेस है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जो लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, वहाँ पे क्या ग्रुप में काम कर रहे हैं ठीक है, और एक गुड इन्वायरमेंट जो है वो सेट कर रहे हैं, तो ये किसने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नूट्स एंड वेलरिज ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि जो मैनेजमेंट है, एक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 42, द सेंसरी सिचुएशन इज मोर इन ठीक है, जो सेंसरी सिचुएशन है ये किसमें ज्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो सेंसरी सिचुएशन वहाँ पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है ठीक है, वो फंक्शन कर रहा है बोथ एज अ सोर्स एज वेल एज अ रिसीवर ठीक है। यहाँ पे जो पर्सन है, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा सोर्स एज वेल रिसीवर जो है वो काम कर रहा है, ये बिटवीन दो पर्सन के बीच में भी हो सकता है, या फिर बिटवीन सेवरल पर्सन के बीच में हो सकता है, या फिर बिटवीन पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे कि पब्लिक स्पेस में होता है कि यहाँ पे एक जो इंसान है वो बोल रहा है और जो बाकी जो ग्रुप में पीपल है वो सुन रहे हैं, तो ये सब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 43 कह रहा है, वॉट इज द अर्ली अडोप्टर्स परसेंटेज ठीक है, जो अर्ली अडोप्टर्स हैं इनका क्या परसेंटेज है, तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 13.5% ठीक है। अगेन मैं फिर से बता देती हूँ कि अडॉप्टर्स की जो है फाइव कैटेगरीज हैं, पहला है इनोवेटर्स, दूसरा अर्ली अडॉप्टर्स, तीसरा अर्ली मेजोरिटी, चौथा है लेट मेजोरिटी, एंड जो पांचवा है वो लेगार्ड है ठीक है। जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वैसे पीपल होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं कोई भी इनोवेशन को, कैसे, थ्रू द लोकल लीडर्स के थ्रू जो है वो अडॉप्ट करते हैं ठीक है। इनका कितना परसेंटेज है, तो 13.5% है ठीक है। अगर वही इनोवेटर्स का देखा जाए तो 2.5% जो टोटल पॉपुलेशन है, अर्ली मेजोरिटी का कितना, 34% टोटल पॉपुलेशन है, लेट मेजोरिटी का 34% टोटल अडॉप्शन है, ध्यान रखना है दोनों का सेम है ठीक है, अर्ली मेजोरिटी एंड लेट मेजोरिटी का टोटल पॉपुलेशन कितना, 34% जो है कॉन्ट्रीब्यूट है, लेगार्ड जो है वहाँ पे 16% आता है ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, ओवर अडॉप्शन में अकर ड्यू टू ठीक है, जो ओवर अडॉप्शन है ये कैसे अकर हो सकता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इनसफिशिएंट नॉलेज ठीक है, अगर आपको नॉलेज पूरी नहीं है तो वहाँ पे आपका ओवर अडॉप्शन हो जाएगा ठीक है। तो कैसे, तो ओवर अडॉप्शन जो है वो प्रोड्यूस क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, और ये क्या काज करता है, डिस्टॉर्शन काज करता है एंड डिटोरेशन काज करता है ऑफ द रिलेटेड सिस्टम, कोई भी सिस्टम है मान लीजिए, तो जो अगर वहाँ पे अगर ओवर अडॉप्शन होता है तो वहाँ पे क्या होगा, तो पहला जो है क्या है, नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है वहाँ पे डिस्टॉर्शन देखने को मिले या फिर डिटोरेट करने के मिले वहाँ पे जो रिलेटेड सिस्टम है ठीक है। एक तो पहला मेन रीजन क्या है, इनसफिशियंट नॉलेज होता है, अगर किसी भी इनोवेशन का जो है, अगर हमें ठीक से नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा नॉलेज है, तो वहाँ पे क्या होगा, ओवर एडॉप्शन होगा, या फिर अगर हम लोग की इनएबिलिटी है, अगर हम वहाँ पे मतलब क्या इनकैपेबल है किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, किसी कॉन्सिक्वेंस जो है वो क्या होगा, जो है जनरली टू दी ओवर अडॉप्शन ठीक है। अगर हम मान लीजिए कोई भी चीज़ का हमें ठीक से नॉलेज नहीं है, सफिशियंट नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, किसी पर्टिकुलर इनोवेशन का ठीक है, और वहाँ पे हम पता नहीं कर पा रहे कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो वो क्या होगा, ये जनरली जो है हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा ओवर अडॉप्शन का ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है, बाय नेचर एक्सटेंशन टीचिंग इज ठीक है, नेचर के थ्रू जो एक्सटेंशन टीचिंग वो क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल ठीक है।
जो फॉर्मल टीचिंग होती है वहाँ पे वर्टिकल आता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटेंशन टीचिंग है वो हॉरिजॉन्टल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर. मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है, जो मोटिवेशन है वो कैसा प्रोसेस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी, इनिशिएटिंग अ कॉन्शियस एंड पर्पजफुल एक्शन. ठीक है, मतलब कि क्या, कोई भी कॉन्शियस हम लोग या फिर पर्पजफुल एक्शन वहाँ पे हम ले रहे हैं, इसका मतलब होता है मोटिवेशन. ठीक है, ना कि बस सोचते रहना या फिर ऐसे सोचना कि हमको कुछ करना है बट कर नहीं रहे हैं. मोटिवेशन मतलब क्या है कि हम ऐसा सोच रहे हैं हमें करना है, वहाँ पे हम पर्पजफुल एक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे हम एक्शन जो है कॉल टू एक्शन जो है वहाँ पे हम ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा मोटिवेशन इसका प्रोसेस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है, द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया इज परफॉर्म बाय. ठीक है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन जो है इंडिया में मेन रोल कौन परफॉर्म करता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है वो मेन रोल प्ले करता है एक्सटेंशन एजुकेशन में, कहाँ पे, इंडिया में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, विच इज नोन एज पैकेज प्रोग्राम. ठीक है, इसमें से किसको हम लोग पैकेज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IADP. ठीक है, IADP जो है ये पैकेज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं. IADP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया था 1960 में, 1960 या 61 बोल लीजिए. ठीक है, कौन लॉन्च किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था. ठीक है, इसका मेन रिमार्क यही है IADP का, जिसको हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं. क्या होगा इसका मेन रिमार्क, यही होगा कि नोन एज, कॉमनली नोन एज पैकेज प्रोग्राम. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है, एक्सटेंशन इज अ, ठीक है, एक्सटेंशन किस टाइप का मैसेज फ्लो करता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टू वे फ्लो ऑफ मैसेज. ठीक है, ये टू वे फ्लो ऑफ मैसेज करता है कौन, एक्सटेंशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा. क्या बोल रहा है, लैब टू लैंड प्रोग्राम लॉन्च इन. ठीक है, जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया गया था. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 जून 1979 में. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितने भी डेट वाले या कब किस चीज को लॉन्च किया गया था, इसका आपको अलग से नोट्स बना लेना है. ठीक है, तो आपको ये क्या होगा कि याद रहेगा, नहीं तो ऐसे क्या है भूलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है, डेट्स वगैरह तो आती ही है एक्सटेंशन में. ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि लैब टू लैंड प्रोग्राम क्या होता है. ठीक है, लैब टू लैंड जो प्रोग्राम है इसका यही था, ये मतलब एक तो ICR ने जो है इसे लॉन्च किया था, मतलब ये लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया था इंडिया में, कब लॉन्च किया था, जब ICR गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था, तो उसी टाइम जो है इसको लॉन्च किया था लैब टू लैंड प्रोग्राम. ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ट्रांसफर करना ऑफ द प्रूव्ड एंड वायबल लो कॉस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. ठीक है, लैंड टू लैब टू लैंड प्रोग्राम मतलब लैब, मतलब लैब में जो टेक्नोलॉजीज बन रहे हैं. ठीक है, देखिए इस वर्ड से ही पता चल रहा है, लैब मतलब कि जैसे कोई इंस्टीट्यूट में जैसे लैब है. ठीक है, लैब में कोई भी टेक्नोलॉजी बन रहा है जिसका जो कॉस्ट है बहुत कम है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, वैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज जो है हम लोग स्मॉल एंड फार्म मार्जिनल फार्मर्स को दे रहे हैं. ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दे रहे हैं और लैंडलेस लेबरर को दे रहे हैं. ठीक है, क्यों दे रहे हैं, इन्हें हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सो दैट कि ये इम्प्रूव कर सके अपना ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये इसका जो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था. ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएगा, इस ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने बताया वो सबको भी आप ध्यान रखिए, एक कॉपी लेके उसमें नोट डाउन करिए. ठीक है, चलिए आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए हमारे वीडियोस को. ठीक है, अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे, वहाँ पे एक ग्रुप फॉर्म किया गया है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ पे भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाइए और हमारे सारे चैनल्स को ज्वाइन करिए, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, वहाँ पे रेगुलर डिस्कशंस होते हैं, आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे अबाउट द जॉब, एंड उससे क्या होगा कि आप टाइमली जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाइएगा. ठीक है,
अगर आपको कोई भी डाउट होती है या फिर कोई भी क्वेरीज होती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आप जो ये कोर्स है वो आप ज़रूर परचेज करिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। हमारे जो टीचर्स है काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, हमारे जितने भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्यूटर एग्जाम में, तो आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आप ईजिली एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।